यदि आप एक सम्मानजनक जीवन जीने में विश्वास करते हैं तो आप स्वयं सहायता में विश्वास करते हैं, जो सबसे अच्छी मदद है। जा, वहां जाके खड़ा हो जा। मुझे बता, गर्मी लग रही है? मामा, गर्मी है तो गर्मी लगेगी ना। कितनी गर्मी लग रही है? बहुत। वहां जाके खड़ा हो जा। लेकिन क्यों बाबा? मैंने कहा ना, वहां जाके खड़ा हो जा। बता, गर्मी लग रही है? बाबा, गर्मी है तो गर्मी लगेगी ना। कितनी गर्मी लग रही है? बाबा, कैसा सवाल है ये? जितनी वहां लग रही थी उतनी ही यहाँ लग रही है। बेटा, अब शिक्षा भी सूरज की गर्मी की तरह होती है। जैसे आज जगह बदलने से सूरज की गर्मी कम नहीं हुई, वैसे ही कक्षा में जगह बदलने से या आगे पीछे बैठने से, अलग बैठने से ज्ञान का असर कम नहीं होता। जरूरी यह नहीं कि तुम कक्षा में कहां बैठते हो, जरूरी यह है कि तुम जहां बैठते हो वहां से पढ़ाई को कितना समझते हो। और पानी, उसने मुझे ढंग से पानी भी नहीं पिलाया स्कूल में, और उसने कहा कि जब तुम्हारे लिए नया लोट आएगा तभी पानी पीना। उसका क्या? उसने कहा ना कि नया लोटा आएगा, ये तो और भी अच्छी बात है। उसके लिए हम पढ़ाई क्यों छोड़ेंगे, है ना? अरे तो नया लोटा, इसे ये गुस्सा करना, रोना धोना, ये सब क्यों? ये सब बातें छोड़ो और मन लगा के पढ़ो। बाबा, घर चले? तुम घर जाओ, माँ चिंता कर रही होगी। मैं जरा मिठाई लेके आता हूँ। किस लिए? आज तुझे कक्षा के अंदर प्रवेश मिल गया ना, इसके लिए। आज खुशी का दिन है, हम सब मिलके मिठाई खाएंगे। बाबा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, मतलब इसके चोरी करने पे शाबाशी दिया होगा। देखो कैसे हंसता हुआ जा रहा है, बत्ती सी दिख रही है इसकी। सही कहा, ऐसे लोग बच्चों की पीठ ही थपथपाते हैं, चाहे जितना भी गलत करे, और फिर यही बड़ा होकर समाज का कचरा करेगा कल को। जरा देखो तो सही, मनोबल कितना ऊंचा हो गया उसका। बाबा, बातें ही ऐसी करते हैं कि मनोबल ऊंचा हो जाए, मेरे बाबा जैसा कोई नहीं। ये भीम, तुझे बाबा ने मारा नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं।
भीम, मुझे तो लगा था बाबा आज तेरी धुलाई कर देंगे, इतने गुस्से में लग रहे थे। लेकिन तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? मिठाई लेने गए। देखा, और ऐसे ही भीम कक्षा के बाहर लेट गया। उसने कहा या तो सब बाहर रहकर पढ़ेंगे या मैं भी अंदर जाकर पढ़ूंगा। और हाँ, सब कहने लगे कि हम अंदर कैसे जाएंगे, ये तुम गलत कर रहे हो। लेकिन हमारा भीम अपनी बात से टस से मस नहीं हुआ और आखिरकार हमें अंदर जाकर ही पढ़ने मिला। भीम ने बिल्कुल सही किया है, कभी कभी व्यक्तिगत समस्या को सामूहिक समस्या बना दिया जाए तो हल होने के आसार बढ़ जाते हैं। और बाबा, जब कक्षा में शिक्षक ने सवाल किया तो भीम ने तुरंत हल कर दिया, और बाकी सारे विद्यार्थी वो तो उल्लू की तरह सोचते ही रह गए। हमारा भीम बहुत तेज है। तुम भी तो उल्लू की तरह देख रहे थे। थोड़ा सा तुम भी तेज बन जाओ ना, कायदे से पढ़ोगे तो तुम भी सवाल हल करोगे। हाँ बेटा। बाबा सही कहूँ ना तो ये पढ़ाई लिखाई बस भीम की ही बस की बात है, मुझे तो ऐसा गुड़ गोबर लगता है। मेरा आहिस्ता बच्चों सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है ना। सो गए क्या? अभी अभी सो रहा है। तुम रो क्यों रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना, या कोई और बात हो गई है? भीमा को साफ साफ क्यों नहीं बता देते कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है? क्यों उसे कक्षा के बाहर खिड़की पर खड़ा होकर पढ़ने के लिए कहा जा रहा है? क्यों कक्षा के और बच्चों से उसे अलग बिठाया जा रहा है? क्यों उसे इस तरह पानी पीने के लिए मजबूर किया जा रहा है? भीमा भाई पागल मत बनो, भीम अभी बच्चा है। ये सब बातें सुनने की इसकी उम्र नहीं है। लेकिन आपके छुपाने से कितने दिनों तक उससे उसका सच छुपा रह पाएगा? और जब उसको पता चल जाएगा बाहर की दुनिया से, तब क्या उसको और तकलीफ नहीं होगी? वो आपकी बात समझता है, आप समझाओगे तो वो अच्छे से समझ जाएगा। देखो अब हमारे और बच्चे और भीम में फर्क है। हमारा भीम ज्यादा नरम दिल है, बातों को बहुत गहराई से लेता है। इस पर समाज की ये सब बातें थोपना सही नहीं है। कच्ची उम्र में ये सब बातें उसके मन को चोट पहुंचाएगी और इसका असर जिंदगी भर रहेगा। इसलिए इसे समय पर छोड़ दो, जो समय आएगा देखा जाएगा। नहीं, हम भीमा को इस तरह धोखे में नहीं रख सकते। जरा सोचो, जब उसको पता चलेगा तो उसे ऐसा ही लगेगा कि ये बात हमने उसे बताई ही नहीं, और तब उसके मन को बहुत गहरी चोट पहुंचेगी।
लेकिन सच जानते हुए बड़ा होगा तो उसकी परवरिश पक्की होगी। भीमा भाई, हर चीज का एक वक्त आता है, उससे पहले तुम बताओगी तो ये बात उसके समझ में नहीं आएगी। इसका उल्टा असर ये होगा कि मन में एक गांठ बनेगी जो जीवन भर नहीं खुलेगी। जब तक बच्चा इस लायक ना हो कि वो समाज की खामी और बारीकियां समझ न ले, तब तक इंतजार करो। जब उसके समझ में आएगा तो वो अपने तरीके से उस पर अमल करेगा। इसे जो सही लगता है वही करेगा, लेकिन किसी के आगे मजबूर होकर झुकेगा नहीं। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव। मेरे सारे बच्चे पैदा हुए और एक न एक दिन सबको उनकी जात का सच पता चल गया और धीरे धीरे उनकी मासूमियत पर समाज का कड़वा सच हावी हो गया। और मैं जानती हूँ कि आज न कल ये सच मेरे भीवा से भी उसकी मासूमियत छीन लेगा। ये समाज हमारी बिरादरी की हर माँ का गुनहगार है। क्या कर दिया तूने? ताली गिरा दी। तू देख के नहीं चल सकती, हम लोग खेल रहे थे ना। रुको, आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। क्या हो रहा है ये? खेल कूद। आज पढ़ाई करने नहीं जाना है तुम्हें? आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन। छुट्टी का दिन है तो पहले ही बता दिया होता। हंसने की क्या बात है? बाला कहाँ है? बाला नहीं दिखाई दे रहा। करने तो नहीं है। हाँ, सुबह सुबह बैंड बाजे वाले बैंड बजा रहे थे, उनके पीछे चला गया, पता नहीं कहाँ गया है। ये बाला भी ना एकदम अपने मन का हो गया है। आने दो, आज उसे भी देखती हूँ। और तू छुट्टी है तो कुछ और ही कर ले। भाभी भाभी तुम रहने दो, मैं और मंजुला मिलकर खाना बना लेंगे। नहीं दीदी, मैं कर लू। अरे सुन ही नहीं रहे हो किसी की। चला जा बेटा, चला जा, चल रहने दो। तुलसा, बुआ, मंजुला खाना बना लेंगे, तुम आराम करो। जैसे रविवार की छुट्टी होती है ना, वैसे तुम भी छुट्टी ले लो। ठीक है। वैसे आई, थोड़े पैसे दो ना। इसलिए? बाल और नाखून बहुत ही बड़े हो गए, कटवाने हैं। अकेले जाओगे? हाँ, मैंने नाई की दुकान देखी है, स्कूल के रास्ते में ही पता। पास में ही आई, इसीलिए थोड़ी ना बोल रही हूँ। मैं तो इसलिए कह रही थी कि अगर तुम्हारे बाबा को आने दो, उसके बाद चले जाना। बाहर अकेले जाएगा,
कहीं कोई इससे कुछ उलझल न बोल दे। इतना क्या सोच रही हो? पास में ही है, नहीं घूमूंगा। दोनों पैसे। तू मानेगा नहीं ना? आई, तुम फिकर मत करो, जल्दी आ जाऊंगा। ओ भैया, मालिक ने भैंस भिजवाई है बाल काटने के लिए। मेरे भी बाल काट दीजिए। आओ बैठो। पहले मैं बच्चे का बाल काट देता हूँ, फिर भैंस का बाल काटता हूँ। तब तक तुम ये काम करो, पानी से भैंस के बाल गीले करो। ठीक है। क्या हुआ? ये अकाडी का तो मैं नहीं कटवाऊंगा। क्यों बेटा, क्या हुआ? स्कूल में लड़ाई झगड़ा किए हो क्या आपस में? नहीं। इसका पूरा नाम पूछो पहले। क्या नाम है तेरा? भीमराव। आगे? अम्बा उडेकर। अम्बा उडेकर। जाति? मैं समझ गया कि तुम कौन। चलो गए यहाँ से। क्यों, क्या हुआ? हुआ नहीं, हो जाता। हम तुम्हारे बाल नहीं काट सकते। चलो चलो भागो यहाँ से। क्यों? ये बात जाके अपने बाप से पूछना कि हम तुम्हारे बाल क्यों नहीं काट सकते। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। ये कपड़ा भी अपने साथ में लेके जा। मैं इस कपड़े को किसकी गर्दन में बांधूंगा? भैया आप तो मेरी भैंस के बाल काट दो। भिगो दिए बाल? हाँ भिगो दिए। लाइम हो गए होंगे। ला काट देता हूँ। एक भैंस के बाल काट सकते हो, मेरे नहीं। कहा ना, अपने बाप से जाके पूछो। तो भाग यहाँ से। मैंने ही कहा उसको आराम करने के लिए। तबीयत ठीक नहीं रहती है और पूरा दिन कुछ ना कुछ काम करती रहती है। जरा तबीयत संभाल के, सर्दी बुखार का मौसम चल रहा है। ये भीम का है? पैसे लेके बाल और नाखून कटवाने गया है। मैंने कहा बाबा को आने दो फिर जाना, लेकिन एक
काट दिए और मेरे बाल काटने से मना कर दिया और कहा कि अब मैं बाबा से पूछ गया।